I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. चित्रांगद पिताश्री, आप आपसे मिलने को मन चाहा, इसीलिए चले आए। आपको बुरा तो नहीं लगा? कैसी बातें करते हैं आप। मेरा सौभाग्य कि आप मेरे कक्ष में आए, मुझे बुलवा लिया होता। हमने सोचा कि हमारा पुत्र कहीं व्यस्त ना हो, क्यों उसकी व्यस्तता भंग की जाए, इसीलिए स्वयं चले आए। मणिपुर के भावी नरेश के नेत्रों में उदासी की इतनी गहरी परछाइयां आज से पूर्व कभी नहीं देखी। क्या बात है पुत्र? महाराज, यदि आज्ञा दी तो आपसे एक बात पूछूं। पूछो ना पुत्र, आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कदापि नहीं। हमने आज तक आपकी बात का बुरा माना है जो आज मानेंगे। निर्भय पूर्वक कहो। महाराज, क्या शब्दों को बदल देने से सच्चाइयों का रूप भी बदल जाता है? हम आपका प्रश्न समझ नहीं पाए पुत्र। क्या मुझे पुत्र कहकर पुकारने से यह सत्य भी बदल गया कि मैं कन्या हूं, आपकी पुत्री हूं? क्या आपने और आपकी माता श्री ने आपस में कुछ विचार विमर्श किया है? नहीं तो, मेरी तो उनसे भेंट भी नहीं हुई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि कुछ समय पूर्व आपकी माता श्री भी हमसे कुछ इसी प्रकार की बात कर रही थी। नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। सच पूछिए तो आज पहली बार ये प्रश्न मेरे होंठों पर आया है। आज से पहले मैंने स्वयं इस विषय के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फिर आज क्यों पूछते? क्योंकि आज मुझे पहली बार आभास हुआ कि कन्या होना कोई अपराध तो नहीं जिसे भेद बनाकर छिपाया जाए। और पिताश्री, क्या यह भेद सदैव भेद रह सकता है? मैंने पुरुषों के वस्त्र पहने, उनका स्वभाव अपनाया, किंतु खड़े की एक साधारण सी काट ने पलक झपकते ही वो भेद खोल दिया जिसे हम और आप वर्षों से संसार से छिपाए हुए थे। उस भेद ने बाहर आने के लिए दो पल की प्रतीक्षा भी नहीं की। अब मुझे पता चला पिताश्री कि कितनी प्रबल है प्रकृति और कितने निर्बल हैं हम। आप हमें यह बताना चाह रहे हैं पुत्र कि किसी ने आप पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया? नहीं महाराज, ईश्वर आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखे, इतना साहस किसी में कहा कि वो मणिपुर की राजकुमारी पर आक्रमण करे। परंतु मैंने स्वयं किसी को ललकारा, कदाचित भाग्य को यह भेद खोलना था। आज किसी ने जान लिया कि पुरुषों के वस्त्र पहने हुए उन्हीं की भांति बोलने वाला नवयुवक वास्तव में अपने अस्तित्व को छिपाने वाली एक कन्या है। इस घटना ने तो मेरे सोचने का ढंग ही बदल डाला। संभवतः तुम भी ठीक कह रही हो पुत्री, और तुम्हारी माता श्री भी। संबंधों को इस रूप में देखने की हमने कभी आवश्यकता ही नहीं समझी, पर तुम ये भली भांति जानती हो कि तुम्हें पुत्री के स्थान पर पुत्र के रूप में देखने के विचार में कोई खोट नहीं। नहीं पिताश्री, यदि ये कोई भूल थी तो इस भूल में हम सब बराबर के साझेदार हैं। कदाचित आज का दिन आया ही था हमें अपनी भूल का आभास कराने। ये मत समझिए कि मैं आपको दोष दे रही हूँ, मैं स्वयं भी दोषी हूँ। किंतु न जाने आज ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने जो सत्य को भेद बनाकर छिपाया था वो भेद अब बोझ बन चुका है। इस बोझ को अब मेरे कंधे और सहन नहीं कर सकते। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूं पुत्री जैसे मेरी आंखों के तारे पर दुख हो। मैंने तुम्हें पुत्र समझा
इसलिए कि राजनीतिक आवश्यकता थी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मुझमें पुत्री से प्रेम करने की क्षमता नहीं। मेरी पुत्री मेरे लिए पुत्र से कम नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर है। पुत्री, अब तुम्हें यह भेद छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम कन्या नहीं। इसके कारण जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी, मैं उनसे निपटने के लिए तैयार। पुत्री हो या पुत्र हो, मानो उन्हें समान।